हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। तो दोस्तों, ये हमारा प्रयास है आप लोगों के संघर्ष से सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम घटनाचक सीरीज में लेकर आए हैं भूगोल से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस जो कि आपका कहलाएगा अपवाह तंत्र, नदियों का अपवाह तंत्र, नदियों का ड्रेनेज सिस्टम, रिवर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, इसमें हम जानेंगे बहुत सी महत्वपूर्ण बातों के बारे में, चाहे वो हमारा गंगा नदी तंत्र हो, चाहे वो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो, और उसके अलावा दक्षिण भारत की भी नदियों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी जो है वह हिमालय की जो नदियाँ हैं बहुत सारी, उनमें सब पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। पूर्ववर्ती अपवाह मतलब कि जो बहुत पहले से बहती आ रही हैं, जो बहुत पहले से बह रही हैं। मान लो कि हिमालय से भी पहले से बह रही है, और जहाँ पे वह बह रही है वह लगातार उस जगह को काट रही है, वहाँ पर अपरदन इरोजन प्रोसेस लगातार हो रही है। ठीक है, इसकी वजह से वहाँ पर एक गार्ज बन जाता है। गार्ज क्या होता है, जैसे कि मान लो ये यहाँ पर एक पर्वत है, क्या है कि ये एक पर्वत बनना शुरू हुआ था, हिमालय इस तरह बनना शुरू हुआ, लेकिन ये ऐसे बनता ऐसे बनता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मान लो पहले से गंगा यहाँ पे है, तो गंगा ने क्या किया, इसको लगातार काटते 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 और यहाँ पे उसने अपना रास्ता बना लिया, और साथ साथ इसकी मिट्टी भी काट कर ला रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गाज बन जाएगा इस तरीके से होकर ही आएगा नीचे, और नीचे आने से गंगा की साइड से हो, फिर दोबारा ये यहाँ से उबरना शुरू होगा। इस तरह से आप कह सकते हो कि ये इन दोनों के बीच में गाज बन गई। क्या बन गया, गार्ज बन गई। ठीक है, सो ये होता है आपका गार्ज सिस्टम, जिसको आप महाखंड भी कहते हैं। इनका निर्माण करती हैं पूर्ववर्ती अपवाह वाली नदियाँ। ठीक है, और जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं उनमें सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये नदियां हैं। गंगा के बारे में जानते हैं, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है आपकी 2525 किलोमीटर। यह निकलती कहाँ से है, यह गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है। ठीक है, अब वहाँ से गंगा सीधी नहीं निकलती, वहाँ से एक भगीरथी निकलती है, एक अलकनंदा। ये दोनों आकर कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में मिल जाती हैं, और देवप्रयाग में मिलकर ये गंगा नाम इनको मिल जाता है। गंगा कहाँ पे प्रवेश करती है, गंगा हरिद्वार के मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है, ये कुछ छोटी सी बातें थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ हैं जो गंगा में मिलती हैं, गंगा में मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं, उनका नाम आप नोट कर लीजिए। रामगंगा, शारदा जिसको आप सरयू नदी भी कहते हैं, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, और यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। ठीक है, और प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और नदियों की जो कि गंगा में जाकर मिलती है। उनमें है अमरकंटक का जो पठार है, वहाँ से निकलती है सोन नदी, जो गंगा के दक्षिणी तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जल प्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है, और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, गंगा नदी उदाहरण है किसका, पूर्ववर्ती का, अनुवर्ती का, अक्रमवर्ती का या परवर्ती का। अभी हमने पढ़ा किसका, पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। अब बांग्लादेश में जब यह नदी प्रवेश करती है, देखिए जब आपकी गंगा नदी यूपी से होते हुए, बिहार से होते हुए और पश्चिम बंगाल में एंटर करती है, तो वहाँ से इसके दो रुख हो जाते हैं, एक तो हुगली नदी बन जाता है, और एक आगे बांग्लादेश में एंट्री कर जाता है। बांग्लादेश में एंट्री करने के बाद आपका गंगा का नाम बदलकर
क्या हो जाता है? पद्मा। क्या हो जाता दोस्तों? पद्मा नदी। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। सो सुंदरबन डेल्टा जब बांग्लादेश में गंगा नदी एंट्री करती है और उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, दोनों मिलकर जब बांग्लादेश से होते हुए और आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो ये वहाँ पर दोनों आपका सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए गंगा की जलोढ़ मिट्टी, गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? 6000 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर, 100 मीटर। तो कितनी है? 6000 मीटर तक होती है। कितनी? 6000 मीटर तक होती है। चलिए नंबर 5, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। चलिए मान लिया गंगा बहुत प्रदूषित नदी है, ए ठीक है। और जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपका ए तो इसमें सही है लेकिन आर गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। बिल्कुल सही, अलकनंदा भागीरथी के संगम पर स्थित देवप्रयाग है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। फिर अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, क्या ये ठीक है? अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, बताइए। अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है, तो यह भी आपका बिल्कुल ठीक है। फोर्थ, केदारनाथ आदि शंकराचार्य, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है? नहीं, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से बद्रीनाथ में स्थापित है, न कि केदारनाथ में, ठीक है। कहाँ पर है? बद्रीनाथ में स्थापित है, न कि केदारनाथ में, ठीक है दोस्तों। चलिए केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, इसलिए आपका जो 4 है वो गलत है, 1, 2, 3 सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए 7, 2 सूचियाँ, एक जगह और एक नदियों का संगम, ठीक है, ध्यान से सुनना। रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, करणप्रयाग, देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा हमने पढ़ा था अभी, बिल्कुल ठीक है। नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी, ये आपका क्या है? रुद्रप्रयाग है। देवप्रयाग का कौन सा है? भागीरथी और अलकनंदा। फिर अलकनंदा और मंदाकिनी आपका रुद्रप्रयाग है। कर्णप्रयाग और आपका नंदप्रयाग। सो कर्णप्रयाग कौन सा है? कर्णप्रयाग है आपका अलकनंदा। कौन सा दोस्तों? अलकनंदा और मंदाकिनी किसमें है? कर्णप्रयाग में। और अलकनंदा और पिंडर, सॉरी, अलकनंदा और पिंडर कर्णप्रयाग में है। अलकनंदा और पिंडर किसके हैं? कर्णप्रयाग के। अब जो नंदप्रयाग है आपका, ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अलकनंदा और मंदाकिनी के लिए। इसलिए इसका जो उत्तर होगा वह बी होगा। क्या है? बी होगा। ठीक है ना, क्योंकि बाकी तो सब सुमेलित नहीं है, बाकी तो सही नहीं है, लेकिन जो आपका ऑप्शन बी है 2, 4, 3, 1, 2, A2, B4, 3, 1, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8,
मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है? मंदाकिनी नदी, तो हमने क्या पढ़ा था कि यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिलती है। मंदाकिनी किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। चलिए, कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। कहाँ? रुद्रप्रयाग में। चलिए, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी? काली नदी की। पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? किसकी है दोस्तों? काली नदी की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग पे, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी आपकी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में बहती है। 12, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? किस नदी के तट पर है? अभी हमने पढ़ा था अलकनंदा पर। किसके तट पर? अलकनंदा के तट पर। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी महानदी, कौन सी है? तो वह आपकी है गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी, भारत की। ठीक है, चलिए। 14, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से, विष्णुप्रयाग से। तो गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी, ठीक है, याद रखना। फिर गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, सोन, शारदा, रामगंगा, गोमती। तो दोस्तों यह है आपकी गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम गोमत ताल, जो कि फुल्लर झील है, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और यह सिर्फ एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है, ठीक है ना। चलिए, कथन दिए हुए दोस्तों, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, क्या ये सही है? ठीक। बी, यमुना असतत वाहिनी नदी है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। यमुना एक सतत वाहिनी नदी है और इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी के मृत हो जाने का कारण प्रदूषण है। तो ए इसका सही है और बी इसका गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, केन, चंबल, रामगंगा। कौन सी एक सहायक नदी नहीं है किसकी? यमुना की। तो रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है, ये मैंने नाम बताया था आपको, और बाकी बेतवा, चंबल और केन ये सारी यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, यमुना नदी का उद्गम स्थान है कौन सा? चौकम्बा, बंदरपूंछ, नंदा देवी, नीलकंठ। तो बंदरपूंछ आपका यमुना नदी का उद्गम स्थल है और बंदरपूंछ चोटी कहाँ पर है? ये आपकी यमुनोत्री हिमनद पर है। कहाँ पर? यमुनोत्री हिमनद पर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती? केन, बेतवा, चंबल, सोन। तो सोन नदी नहीं मिलती क्योंकि सोन नदी सीधी गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। चलिए, 20, कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? शिप्रा, कालीसिंध, बेतवा, पार्वती। तो बेतवा नदी चंबल में नहीं मिलती, बेतवा आपकी यमुना नदी से मिलती है, ठीक है। चलिए, बेतवा नदी मिलती है किससे? अभी आपको बताया, यमुना से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट 22, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? क्या है?
उत्तर वाहिनी, उत्तर की ओर बहने वाली, तो कौन सी है? सोन। कौन सी है? सोन, क्योंकि अमरकंटक के पठार से निकलने वाली जो सोन नदी है वह गंगा के दक्षिणी तट की मुख्य सहायिका है, जो कि पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती है और उत्तर दिशा की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? बाएं से नहीं मिलती, तो अभी आपको बताया सोन नदी दक्षिणी तट पर मिलती है, तो दक्षिण मिलेगी, दैट मीन्स कि ये बाएं से नहीं मिलेगी, ये आपकी दाएं से मिलेगी। ठीक है, चलिए, उत्तर की ओर बहती है ना, तो उत्तर की ओर बहेगी। अब तो इसका मतलब गंगा ऊपर से आ रही है आपकी, उत्तर से आ रही है। जब उत्तर से आके और पूर्व की ओर जाएगी तो आपकी सोन नदी दक्षिण की ओर से आके उत्तर की ओर बह रही है, तो यह उसके दाएं तट से मिलेगी, न कि बाएं तट से। चलिए, 24, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? भांडेर, कैमूर, मैकल, मुकुंदवारा। भांडेर, कैमूर, मैकल, मुकुंदवारा, तो कैमूर श्रृंखला, कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो किसका है जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक? सोन नदी का, क्योंकि सोन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वह 70,055 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना? 70,055 वर्ग किलोमीटर, तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? आपके सोन नदी का। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे किससे? गंगा नदी से। अब हम चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की ओर। किसकी ओर? ब्रह्मपुत्र नदी की ओर। आइए, यहाँ पर आपको कुछ छोटी सी बातें बता देते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से। तिब्बत से निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम है यरलुंग जंगबो। क्या है? यरलुंग जंगबो, ध्यान देना, यरलुंग जंगबो। इस नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह है पश्चिमी तिब्बत के औंग्सी, कौन से? औंग्सी ग्लेशियर से निकलती है। किससे? औंग्सी ग्लेशियर से। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और नामचा बरवा, क्या है? नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू के अक्षर जैसा यू मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम हो जाता है इसका? दिहांग। क्या हो जाता है? दिहांग। ठीक है, आगे असम प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब ये ब्रह्मपुत्र आपकी बांग्लादेश में एंट्री करती है तो वहाँ पर इसका नाम जमुना हो जाता है। क्या हो जाता है? जमुना नाम हो जाता है। अब ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदियाँ, हमने इनका पढ़ा है कि इनका तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में स्थित है। किस किस का? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु का जो स्रोत है वह कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में स्थित है। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदियाँ अपने ऊपरी पार्टों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बात ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यूटर्न लेती है। यह यूटर्न क्यों बनता है? वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, भूवैज्ञानिक या तरुण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण, तृतीय कल्पित वलित पर्वतमालाओं में भू विवर्तनिक विक्षोम के कारण, या इस संदर्भ में उपयुक्त ए और बी दोनों कारण तर्कसंगत हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है, आपको बता देते हैं, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकोंग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं।
ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यूटर्न लेती है। यह यूटर्न भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण है। किससे है? अक्ष संघीय नमन के कारण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जानते हैं? अभी आपको बताया था ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। तो हमने पढ़ा इन तीनों का ही स्रोत मानसरोवर झील के पास है। चलिए 29। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, ब्राक, लोहित, सुबनगिरी। इनमें से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो दोस्तों ब्राक, लोहित, सुबनसिरी में से लोहित और सुबनसिरी ये अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, लेकिन जो ब्राक नदी है वह मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम और असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, कहाँ पर? यह आपकी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम, असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और आपकी लोहित और सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है या सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से? सांगपो। किस नाम से? सांगपो नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल। तो दोस्तों तिब्बत, बांग्लादेश, भारत ये इसका बहाव क्षेत्र है। ठीक है, चलिए 33। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग, कमेंग, लोहित। दिबांग, कमेंग, लोहित। तो दोस्तों ये तीनों ही आपकी क्या हैं? इसकी सहायक नदियां हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। दिबांग, कमेंग दोनों अरुणाचल प्रदेश से बहती हैं। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। जबकि जो आपकी लोहित है यह है पूर्वी तिब्बत में ज्याल चू पर्वत श्रेणी से उद्गमित है और यह नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ठीक है, और आपको बता दें कि जो आपकी लोहित नदी है इसको खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? खून की नदी, क्योंकि यह बहुत तेज और अनियंत्रित है इसलिए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक हैं? ब्रह्मपुत्र, गंगा, तापी और व्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सिंधु और गंगा। तो किसके हैं? ब्रह्मपुत्र और सिंधु के एक ही स्रोत बिंदु हैं। वह क्या है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तिस्ता नदी क्या है? तिस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, तिस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। क्या यह सही है? नहीं भाई, तिस्ता नदी का उससे उद्गम नहीं है, क्योंकि तिस्ता नदी का उद्गम होता है सिक्किम में चोलामू झील से। कहाँ से? सिक्किम में एक झील है चोलामू, वहाँ से तिस्ता नदी का उद्गम होता है। जबकि आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। ठीक है, नेक्स्ट। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तिस्ता नदी की एक सहायक नदी है। बिल्कुल ठीक, रंगीत नदी का जो उद्गम होता है वह सिक्किम के रथोंग हिमनद से होता है और यह नदी तिस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट। तिस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। क्या ऐसा है? नहीं, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन होगा वह सिर्फ दूसरा सही है, दूसरा का मतलब केवल दो। चलिए
36। अब 36 हमारा आ गया दोस्तों दक्षिणी भारत की नदियाँ, क्या आ गया दक्षिण भारत कह लो या प्रायद्वीपीय भारत, इन नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं, जैसे कि आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये आपकी अधिकतर जो है ये आपकी पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। पूर्व की ओर बहती हैं और आपकी गंगा जो आपकी बंगाली खाड़ी है उसमें गिर जाती है, और ये नदियां जो हैं अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें कि जो नर्मदा ताप्ती और माही है, क्या है नर्मदा ताप्ती और माही, ये पश्चिम की ओर बहती हैं। कैसी पश्चिम की ओर बहती हैं, और एस्चुरी जिसको आप ज्वार नद मुख कहते हैं उसका निर्माण करती है। पश्चिम की ओर बहने वाली क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है जिसको आप ज्वार नद मुख कहते हैं। ठीक है, अब नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यह मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है और ये आगे बहकर अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, और अरब सागर में मिलने वाली यह है प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी नर्मदा। ठीक है, यह उत्तर में विंध्याचल से दक्षिण में सतपुड़ा, मतलब कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है, इन दोनों पर्वत के बीच एक ब्रंज घाटी है जिससे होकर नर्मदा बहती है। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण ब्रंज घाटी ही है। ठीक है दोस्तों, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। उसके बाद ताप्ती नदी जिसको आप तापी भी कहते हैं, यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जो सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है, इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है और यह भी आपकी पश्चिम की ओर बहती है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती है, कहाँ से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से प्रवाहित होती है और यह भी अरब सागर में एस्चुरी का निर्माण करती है। फिर आती है गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की, कहाँ की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है 1465 किलोमीटर की। ठीक है, यह महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, कथन दिए हुए हैं, एक कथन है एक कारण है, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती। बिल्कुल सही है, नहीं करती हैं, वे छोटे मार्ग क्या निर्माण करते हैं, वे एस्चुरी का निर्माण करती हैं, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। यह भी बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है, लेकिन ये कारण नहीं है कि वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो आपको इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या ऑप्शन होगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नर्मदा और तापी नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, किससे विभ्रंश घाटी से, और विभ्रंश से होकर बहती हैं इसलिए वे अरब सागर में गिरती हैं, बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती। ठीक है, इसका मतलब ए और बी दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है आर ए की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि नर्मदा नदी एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट घाटी से विस्तृत है। बिल्कुल ठीक है, यह विंध्या और सतपुड़ा के बीच बहती है, विंध्या और सतपुड़ा के बीच बहती है। उसके बाद भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, नहीं इसका सही ऑप्शन एक ठीक है कि यह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ए। वैसे तो सारे ही ठीक हैं, ये आपका दूसरा भी ठीक है, तीसरा नहीं है, दूसरा ठीक है, लेकिन अगर इसमें एक और दो होता तो ऑप्शन वह
टच जा सकता था वह चूज़ किया जाता था, लेकिन ऑप्शन वन और टू एक साथ नहीं है तो सिर्फ केबल वन ही हम इसमें लेंगे। हमने पढ़ा था कि विंडोज टूटो के बीच बहती है, बिल्कुल बहती है, ठीक है ना, नर्मदा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? अभी हमने पढ़ा सतपुड़ा और विंध्या, किसके बीच है? सतपुड़ा और विंध्याचल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कथन और कारण, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है? नहीं, यह एस्चुरी का निर्माण करती है। यह एक ब्रंस घाटी में बहती है, बिल्कुल ठीक, तो इसका ए गलत है और इसका आर सही है। चलिए 41, निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? कौन सी नहीं करती? नर्मदा नहीं करती, अभी हमने पढ़ा नर्मदा नहीं करती और ये एस्चुरी का निर्माण करती है। अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? हमने पढ़ा था कि नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। कौन से दोस्तों? नर्मदा, ताप्ती और माही नदी क्या है? विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका ताप्ती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 43, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंस घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो कौन सी होती है? आपको पता है तापी। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? कौन सा जनपद? राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर, कोरबा। तो कौन सा है? राजनांदगांव। और ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़, ठीक है, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट 45, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा महानदी, सॉरी दामोदर महानदी, नर्मदा ताप्ती। तो किसका होता है दोस्तों? नर्मदा नदी का। किसका? नर्मदा, क्योंकि नर्मदा आपकी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 46, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है कुछ किसके? विंध्या और सतपुड़ा के बीच, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो आपकी ताप्ती नदी है जो अरब सागर में गिरती है। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट में नहीं निकलती? कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? गोदावरी, ताप्ती, कवाम, कावेरी। तो भाई ताप्ती पश्चिमी घाट से निकलती नहीं है, लेकिन पश्चिमी घाट में जाकर आगे अरब सागर में मिल जरूर जाती है, ठीक है। निकलती कहाँ से है? यह निकलती है आपकी मध्य प्रदेश के मुलतई नगर बैतूल जिले से निकलती है, ठीक है। चलिए 49, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तीन बार, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तीन बार दो धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चलकर पुनः मिल जाती है? और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। किस किस का? श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी। तो कौन सी करती है? कावेरी नदी। कौन सी करती है? कावेरी। ये निकलती कहाँ से है? यह कर्नाटक के कुरु जिले, ध्यान देना दोस्तों, नोट कर लेना, कर्नाटक के कुरु जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर, किससे? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर। सवाल आ सकता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? कर्नाटक के कुरु जिले में है, ठीक है। यह प्रवाहित होती है और तिरुचिरापल्लवी के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी है। क्या है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगनम द्वीपों का निर्माण करती है। चलिए कावेरी नदी का उद्गम है कहाँ से? सह्याद्री, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक, ग्वाली। तो अभी हमने पढ़ा था
कहाँ से है? कर्नाटक के कुरुक जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम है। चलिए 51, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? अभी आपको बताया कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी अगर होता वो राज्य नहीं है, लेकिन क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा कहते हैं कावेरी को। किसको? कावेरी को। ठीक है दोस्तों, चलिए और मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी को, किसको? एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। चलिए कृष्णा नदी जल विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कर्नाटक महाराष्ट्र, कर्नाटक आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र। तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा, वैसे क्वेश्चन ये टाई है, ऑप्शन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि कृष्णा नदी जो जल विवाद है वह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, किसके बीच? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जल विवाद चल रहा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, और ऐसा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए यह टाई रहेगा, इसको ध्यान देना, आपकी नॉलेज के लिए सिर्फ यह क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तो कौन सी बनाती है? जो पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी बहती है? ताप्ती नदी बहती है। तो ताप्ती क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। 55, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे बड़ी गोदावरी है जो कि 1465 किलोमीटर की है, फिर नर्मदा है जो कि 1312 की है, महानदी 858 और ताप्ती 724। ठीक है, तो आपका क्रम हो गया ऑप्शन बी। चलिए हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? किसको किया गया था जोड़ने का कार्य? तो यह किया गया था आपका गोदावरी और कृष्णा को, गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया था। चलिए 57, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम लगाइए। जो पूर्व की ओर बहती हैं उत्तर दक्षिण को सही क्रम लगाना है। सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेंगई, ये नदियाँ हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए सही होगी, सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एंड वेंगई, ये इसकी सही क्रम में लगी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? कौन सा अपवाह तंत्र? अरीय, खंडित, वृक्षनुमा, जालीदार। तो वृक्षनुमा तंत्र होता है इसका। कैसा? वृक्षनुमा तंत्र। कैसे? इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस आपका वृक्ष होता है ना, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट 59, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। तो आपने पढ़ा था अभी कि जो कावेरी नदी है कर्नाटक में, जो आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी है उससे होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन इसमें लिया जाएगा, क्योंकि यह वाला गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, सोन, नर्मदा और महानदी कहाँ से निकलती हैं? अभी आपको बताया था अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? एस्चुरी नहीं बनाती, ताप्ती एस्चुरी बनाती है, नर्मदा भी एस्चुरी बनाती है, मांडवी और महानदी। तो कौन सी नहीं बनाती? महानदी आपकी एस्चुरी नहीं बनाती, क्योंकि महानदी आपकी बनाती है डेल्टा।
ठीक है। और यह छत्तीसगढ़ के दमते ज़िले में सियावा के निकट से निकलती है और यानी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई प्रायद्वीपीय के पास बंगाली खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। बाकी तीनों एस्चुरी बनाती हैं। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी आपकी इनमें से किसी की भी सहायक नदी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। किसकी है? महानदी की। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन महानदी है ही नहीं। यह नदी सिर्फ 8 किलोमीटर दूर तक बहती है और उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, झोंक, हंसदो, ईब, मांड ये हैं, ठीक है। तो किसकी नदी है तेल? तेल नदी है आपकी महानदी की प्रमुख नदी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किन में जल का अभाव है? साबरमती, कृष्णा, ताप्ती, कावेरी। तो किस में है? सिर्फ साबरमती और ताप्ती नदी में जल का क्या है? अभाव है, जल की कमी साबरमती और ताप्ती घाट में। दैट मीन्स आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, इसमें जल का अभाव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है? एक ही स्थान से, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, और दूसरी अरब सागर में। तो कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है भाई। एक नर्मदा नदी का होता है और एक महानदी का होता है, ठीक है। चलिए सॉरी, एक नर्मदा नदी का होता है, एक सोन नदी का होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है। गलत है, क्यों नहीं है? पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं केरल की। अभी हमने पढ़ी थी कौन सी, ठीक है। चलिए कौन सी नदी है? पाम्बार नदी है, भवानी नदी है, कम्बाई नदी है, ये पूर्व की ओर बहती हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। क्यों नहीं है? है ना, नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, ये पश्चिम की ओर बहती हैं। तो आपके भाई जो दोनों कथन है वो दोनों ही गलत हैं। तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, न तो एक सही है और न ही दो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो किसका है? गोदावरी का। किसका दोस्तों? गोदावरी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन, पहला गंगा, दूसरा गोदावरी, ठीक है। चलिए प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी है, पूरे भारत में गंगा है, ठीक है। चलिए 69। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, परनहिता, पेन्नार। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी हैं दोस्तों? एक तो है आपकी इंद्रावती और एक है आपकी परनहिता, ठीक है। और इसकी सहायक नदियों में और बता दूं आपको, परनहिता, वर्धा, बाणगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजिरा, पूर्ण, पूर्णा, परवरा, मूला, दूधना, ठीक है। और अगर बात करें वंशधारा और पेन्नार की, तो वंशधारा और पेन्नार जो हैं यह गोदावरी की सहायक नदियाँ नहीं हैं। पेन्नार और वंशधारा भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ ही हैं। तो उसमें जो आपका ऑप्शन आएगा वह क्या आएगा? केवल 2 और 3, जो कि ऑप्शन डी में सेलेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के नदियों से और नदी तंत्र से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे और आपको पढ़कर मज़ा भी आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की वीडियो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य नदियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम दोस्तों।